जी आपका नाम? आशा शर्मा। आज जो लोग बाबा राम रहीम के बारे में बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे हम तो यही कह सकते हैं, हमारे गुरु जी ऐसे कुछ नहीं। जी आप भी डेरा से जुड़े हैं मतलब? हाँ जी। कितने साल हो गए? हमें हो गए 15 साल। जी फिर तो गुरु जी को आप काफी करीब से जानते होंगे, कैसा व्यवहार था उनका? उनका कोई व्यवहार नहीं, हमने अच्छा देखा, सच देखा, सच। जी क्या सिखाते हैं बाबा राम रहीम? वो तो यही सिखाते हैं, मानवता भलाई के कार्य करो। जी वही कर रहे हैं हम लोग। लोगों से सुना है कि 134 से ज्यादा मानवता भलाई कार्य किए जाते हैं डेरा में, क्या सही में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप भी करते हो? हम भी करते हैं। जी किस तरह के कार्य होते हैं? खून खून दान देना और गरीबी का मतलब सब कुछ है जो होते हैं सारे कार्य। क्या कोई दान चढ़ावा भी लिया जाता है डेरा में? बिल्कुल। जी आज ऐसे संत की समाज को जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। जी क्या नुकसान है उनके यहाँ आना होने से? नुकसान है, हम लोग तो नुकसान ही है, इतने सेवा कार्य चलते थे सारे बंद पड़े हैं। अब जो हम लोग जितना कर रहे हैं वो हमारे गुरु जी हैं, वो उनकी शिक्षा पे चल रहे हैं। जी तो आज लोगों से देश की सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करना चाहते हैं जो जल्द से जल्द वो अपने बाहर आए और संगत के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।